ये जो फेस मास्क है, ये फेस मास्क आपके चेहरे से एक्ने, पिंपल्स, मेलाज्मा, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, उसके मार्क, उसके स्पॉट्स, साथ ही साथ फाइन लाइंस, रिंकल्स, इन सबको रिड्यूस करके आपको ग्लोइंग स्किन प्रोवाइड करने वाला है। गाइस वेलकम टू द चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइस जैसा कि मॉनसून स्टार्ट हो चुका है, रेनी सीजन स्टार्ट हो चुका है, और रेनी सीजन स्टार्ट होते ही हमें जो अपने चेहरे पे देखने को मिलता है वो है एक्ने, पिंपल, मेलाज्मा, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, इनके मार्क्स, इनके स्पॉट्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। तो इसके लिए ही आज हम एक फेस पैक बनाने वाले हैं जो आपके एक्ने पिंपल्स को रिमूव करने में, आपके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, मेलाज्मा, इन सारी चीज़ों को रिमूव करने में हेल्प करने वाला है। अगर आपको भी रेनी सीजन में इन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम होती है तो आप इस फेस पैक को जरूर लगाएं, और अगर आपको एक्ने पिंपल्स है तो भी आप इसे लगा सकते हैं, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है तो भी लगा सकते हैं। और अगर आपको पता है कि रेनी सीजन स्टार्ट हो चुका है और मुझे एक्ने पिंपल्स होने वाले हैं तो भी आप इस फेस मास्क को लगा सकते हैं, इससे आपको एक्ने पिंपल्स जो है आगे नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सा ये फेस मास्क है, किस तरह से लगाना है, किस तरह से बनाना है, ये सारी चीज़ें आगे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियो है इन सारे की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस फेस मास्क को लगा कौन सकता है। तो इस फेस मास्क को जिनको भी एक्ने पिंपल है वो लगा सकते हैं, ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, मेलाज्मा है, एक्ने पिंपल्स के मार्क्स है, स्पॉट्स है, आप इसे लगा सकते हैं। आप इसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ रेनी सीजन में इसे यूज़ करना ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट रेनी सीजन में जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है, इसलिए हम रेनी सीजन में इसे ज़रूर लगाएंगे ताकि हमें एक्ने पिंपल नहीं होंगे। और बहुत बार आपने देखा होगा कि जब आप बाहर जाते हैं, आप मुंह पे मास्क लगाते हैं, तब भी आपको एक्ने पिंपल्स हो जाते हैं इस एरिया में। तो इससे भी बचने के लिए आप जो ये मास्क है, ये मास्क लगा सकते हैं, जो फेस पैक मैं शेयर करूंगी वो लगा सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अपने इस फेस मास्क को। तो इस फेस मास्क को बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है तुलसी पाउडर, यानी कि बेजल लीव्स। बेजल लीव्स जो होते हैं उनका पाउडर आप बना सकते हैं घर पे। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो पत्तियां जो है उसे ले लीजिए, लेके धो लीजिए, धो के आप चाहें तो इसे पीस के रख सकते हैं, पीस के भी पैक तैयार कर सकते हैं, या फिर एक साथ बहुत सारी पत्तियां आप तोड़ लीजिए, इसे सुखा लीजिए, सुखा के इसका पाउडर प्रिपेयर करके रख लीजिए, क्योंकि जब भी एक्ने पिंपल होगा तो आपके पास पाउडर जो है वो प्रिपेयर रहेगा। या फिर आप चाहें तो मार्केट से ले सकते हैं, जैसे कि मैंने मार्केट से लिया है, बट घर पर अगर आप पत्तियाँ पीस के बनाएंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो आप घर पे बना सकते हैं, या फिर फ्रेश पत्तियों को भी पीस के ले सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया है तुलसी पाउडर। बेजल लीव्स होते हैं या जो तुलसी की पत्तियाँ होती हैं, ये आपके पोर्स को बहुत अच्छे से क्लीन करता है, जिससे कि आपकी जो स्किन है वो ग्लोइंग होती है। ये फाइन लाइंस और रिंकल्स के लिए बहुत अच्छा है, एक्ने पिंपल्स के लिए तो ये अच्छा है ही, तो इसीलिए यहाँ पे हमने तुलसी की पत्तियाँ डाला। तो हम यहाँ पे जो पाउडर ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं 1 टीस्पून जितना। अगर आप तुलसी की पत्तियों को पीस के उसके बाद यूज़ करेंगे तो भी आपको 1 टीस्पून जितना ही लेना है। सेकंड जो हम यहाँ पे ले रहे हैं वो है नीम लीफ पाउडर। तो नीम सबको पता है, इसमें एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि एक्ने पिंपल्स को कम करने में तो हेल्प करता ही है। इसके साथ ही ये आपके पोर्स को अगेन क्लीन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैंने पाउडर लिया है मार्केट वाला, आप चाहें तो पत्तियों को ला के पीस के डाल सकते हैं फ्रेश जब बनाना हो आपको, या फिर आप इसे पत्तियों को ला के सुखा के इसका पाउडर प्रिपेयर करके घर पे रख सकते हैं। जिस तरह से आपको कंफर्टेबल लगे, जो मेथड आपको कंफर्टेबल लगे, आप उसे ले लीजिए और उससे बनाइए। तो नेक्स्ट हमने सेकेंड चीज़ जो यहाँ पे डाल दिया है वो है नीम लीव्स का पाउडर। अब हम यहाँ पे लेने वाले हैं एलोवेरा जेल। यहाँ पे मैं मार्केट वाला एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि लीफ वाला जो एलोवेरा होता है वो बहुत बार मुझे सूट नहीं करता है। अगर आपको लीफ वाला जो प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल है वो अगर सूट करता है तो आप उसे ले सकते हैं। यहाँ पे मैं मार्केट वाला यूज़ कर रही हूँ, और जिनको भी सूट नहीं करता है वो मार्केट वाला लेंगे। अब जिनको एलोवेरा सूट नहीं करता है वो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपको एलोवेरा सूट नहीं करता है तो आप एलोवेरा को स्किप करके यहाँ पे टमाटो जूस ऐड कर सकते हैं। या तो आप एलोवेरा यूज़ कर लीजिए या फिर आप टमाटो जूस यूज़ कर लीजिए, ये दोनों में से जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप उसे यूज़ कर सकते हैं, बट एलोवेरा के फ़ायदे बहुत हैं। तो अगर आपको एलोवेरा प्लांट वाला सूट नहीं करता तो मार्केट वाला डाल लीजिए, अगर मार्केट वाला नहीं है तो प्लांट वाला डाल लीजिए, ये ज़्यादा अच्छा रहता है आपके एक्ने पिंपल्स को रिड्यूस करने के लिए, उसके जो स्पॉट्स होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए,
साथ ही साथ पोर्स को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है, डेड स्किन जो है वो हटाने में हेल्प करता है। तो एलोवेरा का तो बहुत सारे फायदे हैं, तो इसीलिए एलोवेरा आप यहाँ पे जरूर ऐड करें। तो यहाँ पे हमने 1 टीस्पून जितना ले लिया है तुलसी पाउडर, 1 टीस्पून जितना ले लिया है नीम पाउडर, और 1 टीस्पून जितना ही हमने ले लिया है एलोवेरा जेल। अब नेक्स्ट जो हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि आपको एक्ने पिंपल से छुटकारा मिलेगा बहुत जल्दी। नॉर्मली जो है एक्ने पिंपल्स अपने धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, हील हो जाते हैं, बट ये चीज़ अगर आप डालते हैं तो इससे जो आपके एक्ने पिंपल्स हैं वो जल्दी ठीक होते हैं, मार्क्स जल्दी आते हैं, बाकी जो आपको टाइम लगता है उससे थोड़ा जल्दी आपका जो एक्ने पिंपल है वो जल्दी ठीक हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे डालने वाले हैं डिस्प्रिन। जी हाँ, डिस्प्रिन। डिस्प्रिन जो होता है ये होता है सैलिसिलिक एसिड, डैट इज़ BHA, यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। ये क्या करता है, ये करता है आपके पोर्स को डीपली क्लीन करता है, ये आपके एक्ने पिंपल्स को ठीक करने में हेल्प करता है, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हैं आपको उसे ठीक करने में हेल्प करता है, पोर्स के अंदर जाके अच्छे से क्लीन करता है, और अगर आपको इन फ्यूचर एक्ने पिंपल्स होने के चांसेस हैं उसे भी ये कम करने में हेल्प करता है, इसीलिए हम यहाँ पर डिस्प्रिन का यूज़ कर रहे हैं। तो डिस्प्रिन देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग जो है केमिकल पील का यूज़ करते हैं, AHA BHA यूज़ करते हैं, तो BHA जो होता है मोस्टली वो आपके एक्ने पिंपल को रिड्यूस करने के लिए, रिमूव करने के लिए, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए, डेड स्किन को रिमूव करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो उसके जगह पे हम यहाँ पे डिस्प्रिन यूज़ कर रहे हैं, और जिस तरह से मैं बता रही हूँ इस तरह से आपको इसका नुकसान नहीं होगा, लेकिन स्टिल आपको अपने चेहरे पे, अपने नेक में यहाँ पे लगा के आपको पैच टेस्ट करना ज़रूरी है इस पैक का। ये आपके एक्ने पिंपल्स को, अगर ये आपको सूट कर जाता है तो ये आपके एक्ने पिंपल्स को बहुत जल्दी ख़त्म करने में हेल्प करेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको डिस्प्रिन कितना यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, मुझे एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ एक डिस्प्रिन का यूज़ कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको एक्ने पिंपल है ज़्यादा है तो आपको सिर्फ 2 डिस्प्रिन का यूज़ करना है, 2 से ज़्यादा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, चाहे आपके चेहरे पे कितना भी एक्ने और पिंपल्स हो, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने 1 डिस्प्रिन लिया है, इसे हम डिसॉल्व कर लेंगे रोज़ वाटर में। रोज़ वाटर के साथ ही आपको डिसॉल्व करना है, नॉर्मल वाटर का यूज़ मत कीजिएगा, रोज़ वाटर के साथ कीजिएगा। ये आपके pH लेवल को बैलेंस करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई फील नहीं करती है। तो इसमें डिसॉल्व कर लीजिएगा, जब ये अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा, वेट कीजिएगा अच्छे से डिसॉल्व होने का, जब ये अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा तो इसे आप अपने फेस पैक में डाल दीजिएगा। उसके बाद अपने फेस पैक को, अगर लगता है आपका फेस पैक जो है वो थोड़ा गाढ़ा है, तो इसमें आप थोड़ा सा और रोज़ वाटर मिलाइएगा, उसके बाद अपना पैक जो है उसे प्रिपेयर कीजिएगा। पैक जब प्रिपेयर करेंगे तो ध्यान रखिएगा पैक जो है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, इसे कंसिस्टेंसी जो है वो मीडियम होनी चाहिए। तो अच्छे से मिक्स कीजिएगा, क्योंकि डिस्प्रिन को थोड़ा सा टाइम लगता है मिक्स होने में, लेकिन अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। जब ये मिक्स हो जाएगा तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि जब ये आपका जो पैक है ये मिक्स हो जाएगा, इसे आपको ज़्यादा देर तक स्टोर करके नहीं रखना है, जैसे ही आपका पैक तैयार होता है तुरंत ही इसे अपने फेस पे आपको लगाना है। तो जब भी आप ये फेस पैक बनाएंगे सबसे पहले अपने फेस को क्लीन कर लीजिएगा, क्लीन करने के बाद ही अपना ये जो फेस पैक है इसे प्रिपेयर कीजिएगा। जब आप इसे प्रिपेयर करेंगे तुरंत इसे अपने फेस पे अप्लाई करना शुरू कर दीजिएगा, बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा, इसे रखना नहीं है आपको देर तक। अच्छा, अब जब इसे आप अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो ध्यान ये रखिएगा कि आप जिस दिन इस फेस पैक को लगा रहे हैं या बना रहे हैं उस दिन आपको केमिकल एक्सफोलिएशन का यूज़ नहीं करना है। जैसे केमिकल एक्सफोलिएशन यूज़ करते हैं लोग AHA BHA, वो यूज़ नहीं करना है, या फिर फिजिकल एक्सफोलिएशन जो कि नॉर्मल आप अपना स्क्रब करते हैं वो यूज़ मत कीजिएगा, फिर अपने फेस को शेव मत कीजिएगा उस दिन बिल्कुल भी। उस समय आपको, जिस दिन भी आपको ये फेस पैक लगाना है, अपने फेस पे इस तरह की कोई भी चीज़ें मत कीजिएगा, नॉर्मल अपने फेस को खाली वॉश कीजिएगा, वॉश करके इस फेस पैक को लगाना है। अब इस फेस पैक को लगा के आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट तक रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। ये जो फेस पैक है इसमें हमने डाला है डिस्प्रिन, जो डिस्प्रिन है ये आपके पोर्स के अंदर तक जाके उसे बहुत अच्छे से क्लीन करने में हेल्प करता है, जितने भी डेड स्किन होते हैं उन सबको मेल्ट करके निकालता है, डेड स्किन को क्लियर करता है, तो बहुत अच्छे से ये आपके चेहरे को एक्सफोलिएट करता है, इसीलिए आपको अलग से एक्सफोलिएशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो अलग से आप एक्सफोलिएशन मत कीजिएगा। डिस्प्रिन जो है इसमें सैलिसिलिक एसिड होता है, जिसकी वजह से ये आपके ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को हटाता है, एक्ने पिंपल्स को भी कम करने में हेल्प करता है।
इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा, ये जो मास्क है, ये मास्क आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट तक अपने फेस पर रखना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत रखिएगा। 10 मिनट ज़्यादा रखना नहीं है। अगर सूखता है तो भी ठीक है, नहीं सूखता है तो भी आप इसे वॉश कर दीजिएगा। वॉश करना है अगेन आपको नॉर्मल वाटर से, यहाँ पे फेस वॉश का यूज़ नहीं करना है, कोई भी सोप यूज़ नहीं करना है। इसके बाद आप हो सके तो बाहर जाने से बचे। ये जो पैक है, ये पैक आप रात के समय ही लगाइए, दिन में ना लगाएं, रात में ही लगाएं, बाहर जाने से बचें। दूसरा, यहाँ पे फेस पैक लगाने के बाद अगर आप फेस वॉश कर लेते हैं तो उस दिन फिर अगेन कोई भी एक्सफोलिएशन का यूज़ मत कीजिएगा, कोई भी एक्सफोलिएटर अपने चेहरे पे मत लगाइएगा। जब ये हो जाएगा, फेस पैक आप लगा लेंगे, फेस पैक को आप धो लेंगे, उसके बाद आपको एक अच्छा सा टोनर लगाना है और साथ ही साथ मॉइस्चराइज़र भी लगाना है। दोनों चीज़ें आपको लगाना है। जब आप टोनर और मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो बहुत बार आपने सुना होगा कि डिस्पिन लगाने के बाद जो स्किन है बहुत ड्राई फील करती है, ड्राई फील करती है, क्योंकि जो ये है ये आपके पोर्स को बहुत अच्छे से अंदर से क्लीन कर रहा होता है। इसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई फील करती है। इस वजह से आपको यहाँ पे टोनर और मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगाना है। अगर आप टोनर और मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगाते हैं तो आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं करेगी। दिन भर में कम से कम 2 बार आप अपना CTM रूटीन जो है वो ज़रूर फॉलो करें, क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। इसके वजह से आपकी स्किन जो है कभी भी ड्राई फील नहीं करेगी। अगर आप ये फेस पैक लगाते हैं इसके बाद भी आपको ये ड्राइनेस जो फील होती है ये नहीं होगी। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील हो रही है तो आप ये फेस पैक ना लगाएं, ज़रूर आप एक बार इसे पैच टेस्ट जरूर करें। अगर आप पहली बार डिस्प्रिन अपने चेहरे पे अप्लाई कर रहे हैं तो पैच टेस्ट जरूर करें, उसके बाद ही आप इस फेस पैक को लगाया करें। अब जब ये आप लगा लेंगे, अपना CTM रूटीन फॉलो कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं ये जो फेस पैक है, ये फेस पैक आपको कितना लगाना चाहिए, कितनी बार लगाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम बात करते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने हैं तो आपको इस फेस पैक को सिर्फ और सिर्फ वीक में 2 बार लगाना है। और यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है कि डिस्प्रिन भी आपको 2 ही लेना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपके एक्ने पिंपल्स कम है, आप सिर्फ जिस तरह से मैं लगाती हूँ ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए लगाती हूँ, अगर आप उसके लिए लगा रहे हैं तो आपको वीक में 1 बार अप्लाई करना है, इससे ज़्यादा आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और जब आपको लगता है कि आपके एक्ने पिंपल्स जो है वो कम हो गए हैं या फिर रिड्यूस हो रहे हैं तो आप इसे वीक में 2 दिन से 1 दिन कर दीजिएगा। अगर आपके एक्ने पिंपल्स बहुत ज़्यादा हैं, आप 2 दिन लगाते हैं और आपके एक्ने पिंपल्स कम होने लगेंगे तो आप इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम कर दीजिएगा, आप वीक में 2 बार की जगह 1 बार कर दीजिएगा। और अगर जब आपको लगे कि आपके एक्ने पिंपल्स रिमूव हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से इस जो फेस मास्क है इसे लगाना है, फेस पैक को लगाना है, ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है। अगर आप अच्छे से अप्लाई करते हैं, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो ये बहुत जल्दी आपके एक्ने पिंपल्स को रिड्यूस करता है, आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को रिड्यूस करता है, स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो लेके आता है। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए और इस तरह से इस फेस पैक को बनाइए, लगाइए। आने वाले रेनी सीजन में यानी कि मॉनसून में आप भी एक्ने पिंपल से बच सकते हैं और आपकी भी स्किन जो है वो बहुत अच्छे से ग्लो कर सकती है। तो इस तरह से लगाइए और इसका जो भी फायदा है, जो भी रिजल्ट है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल रहा है, तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।